बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट TV। 18 व 19 मार्च शिक्षित बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आने वाला है। मेरठ गंगानगर स्थित IIMT में लगने वाले रोजगार मेले में भाग लेकर बेरोजगार अपनी किस्मत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। रोजगार मेले का आयोजन क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय मेरठ, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कौशल विकास मिशन और IIMT विश्वविद्यालय के संयुक्त बैनर तले किया जाएगा। इस आशय की जानकारी आज सोमवार को इंस्टीट्यूट परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्य विकास अधिकारी शशांक चौधरी, IIMT विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन गुप्ता, सहायक निदेशक सेवा योजन कार्यालय शशि भूषण उपाध्याय और ITI के प्रधानाचार्य पी अत्री ने दी। आइए सीधे चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक हमारा ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं कि जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में आज यहाँ पर हमारे बीच में आए, और इसीलिए यहाँ पे आपने देखा, जैसे भाई साहब ने बताया कि हर ट्रेड का, चाहे वो 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, इंजीनियरिंग है, MA पास है, उन सब के लिए यहाँ पे सुविधा प्रदान की जा रही है। ऐसी कंपनियों को सबको बुलाया जा रहा है कि किसी भी ट्रेड के हैं, फार्मेसी के हैं, नर्सिंग के हैं, तो सभी को यहाँ बुलाया जा रहा है, जिससे कि यहाँ पे अधिक से अधिक, हमारा लक्ष्य ये है कि 4,000-5,000 तक भी अगर ये पहुँच जाए, अगर हम देने में कामयाब हो जाए, तो हम अपने आपको बहुत गौरवान्वित समझेंगे, और इसमें सहयोग आप ही से होगा, आप ही सहयोग करेंगे तभी ये संभव है। सर, कितनी कंपनियां हैं, लगभग कितने व्यक्ति को रोजगार देने का टारगेट? देखिए, हमारा 2 दिन का ये है बेला, और हम आशा करते हैं कि 80 कंपनियों ने ऑलरेडी हमको रिटर्न के अंदर कंफर्मेशन भेज दी है, और हम इसको 100 से ऊपर ले जाने का हमारा प्रयास है। कि हमारी तो इच्छा तो ये है कि 5,000 तक हम इसको ले, एक रिकॉर्ड बनाए हैं, और ये मेरठ है, मेरठ की तो क्रांति वाली धरती है, यहाँ तो हर समय क्रांति होती है, तो हम भी क्रांति करना चाहते हैं। जो बृहद स्तरीय रोजगार मेला कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है, उसका स्वरूप 2 भागों में विभाजित है। पहले दिन तकनीकी बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए रोजगार मेले का आयोजन होगा 18 मार्च को, और 19 मार्च को गैर तकनीकी प्रबंधकीय अन्य ऐसी रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों को रोजगार मेले में प्रतिभाग करने के लिए बुलाया जाएगा। रोजगार विभाग की एक साइट है हमारी, वेब पोर्टल sevayojan.up.nic.in। जो बेरोजगार युवा अभ्यर्थी sevayojan.up.nic.in पर पंजीकृत है, रोजगार मेले में वही प्रतिभाग करेगा। अगर गैर पंजीकृत कोई अभ्यर्थी रोजगार मेले में आ रहा है, तो उसे प्रतिभाग करने से रोका नहीं जाएगा। रोजगार मेले में यह व्यवस्था की जा रही है कि जो कंपनियां रोजगार मेले में प्रतिभाग करें, वो अनिवार्य रूप से वेब पोर्टल पर पंजीकृत हों, और अभी तक ऐसी 30 से अधिक कंपनियां वेब पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा चुकी हैं। हमारा प्रयास है प्रत्येक दिन रोजगार मेले में 40 से अधिक कंपनियां प्रतिभाग करें। इस खबर में आज इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।